एकदम से दिखाए बस ये सारा जब छूट जाएगा ना ये आपका ऊपर यहां से जब अंदर से लाइट आएगी और ये आपका छूट जाएगा तब इसकी ब्यूटी बढ़ जाएगी। जैसे लगता है ये चीज कुछ पैरेलल नहीं लगती जिसको बोला है ना वो लगता है जैसे कोई एकदम झूलती सी चीज नजर आती है मतलब लेवलिंग सही नहीं लगती टेढ़ी लगती है। हाँ मुझको क्यों लगता है मतलब यहां से और इस जगह के डिस्टेंस में ऊपर आ रही है ऊपर लग रही कुछ नहीं मतलब यहां से ऊपर हो गई नहीं ऐसे ऐसे हो रही है लाइक दिस लहर आ रही है। हाँ लहर आ रही है वो आपको ना शेड की वजह से लग रहा होगा बट लहर नहीं है मुझे क्यों होगा। अरे जो फर्टिला नहीं लहर तो नहीं है लहर तो नहीं है वो ना आपके शेड लेकिन वो जो उसका ना एक्चुअली इसका डिजाइन ही कुछ इस तरह का है वो इसलिए लग रहा है लहर नहीं है तो पैमाने में ही ग्रुप देख रहा है विंडो तो बताया था विंडो जो साइडों में हाँ वो बैक ये जो जितने भी शीशे हैं ना खिड़कियों के सब के इसके बाहर ना यहाँ पे वो आपको घुमानी पड़ेगी क्योंकि बारिश आती है बारिश ये और हाई टूट जाती है ऊपर लगाना पड़ेगा अरे सिलिकॉन होती है सिलिकॉन की गन होती है ना उससे गन हो जाएगी पूरी रबड़ के ऊपर ही सिलिकॉन की पूरी लेयर चढ़ जाएगी आ जाता है वो हाँ हाँ एक काम करना पहले एक आप एक काम करना गन मंगा के पहले एक विंडो पे प्रैक्टिकल करके देख लेना लेकिन वो तो इधर शीशे के साथ होगा शीशे के साथ हाँ और सारा बाहर भी जितनी सीधी रखना पड़ी इधर से गैप नजर आ रहा है आगे लो लगाइए नहीं नहीं गैप नहीं है लहर नहीं है नहीं नहीं लहर नहीं है मीडियम तो भी फर्क लगता है ना लुक जाएगा अच्छा इसकी कलर स्कीम का कोई डिसाइड हुआ अभी कलर स्कीम आयोजित चलती है आयोजित करती है अगर आपको कुछ और चीज होगा एक बार पूछ लेना उनसे ना वो सोनू से बात हुई है मेरी वो कह रहे हैं कि मैं जितना सबसे बात करता हूँ इंटीरियर्स के बारे में मेरे ख्याल से ना कुछ वो आजकल इतने बढ़िया बढ़िया पेंट हो रहे हैं उसके डिजाइनर पेंट होते हैं आइवरी में भी पैटर्न वाले भी आते हैं हाँ पैटर्न वाले हल्के हल्के बिल्कुल सोबर से बहुत आते हैं वो फिर अलग एकदम चीज है अगर वो करवानी तो आप बात कर लो क्योंकि वो बेस जो है वो वैसे ही होता है हाँ वो बहुत बहुत क्लास चीज होती है क्योंकि आप नहीं वो तो ठीक है अब इतना पैसा लग रहा है तो फिर देखो टेक्सचर है जो दीवार में होता है तो काफी कॉमन हो गया टेक्सचर तो ठीक है वो एक सिंगल पैटर्न चलता रहता है पूरी दीवार पर डबल कलर में बेस डार्क रात गया पैटर्न लाइट है या बेस लाइट है पैटर्न नहीं अब तो इस वो उसकी जगह पैटर्न जो है वो पैटर्न आज आपको 70-80 रूपये मतलब हमें जो रेट मिलता है 70-80 रूपये पर स्क्वायर फुट हाँ वो बहुत अच्छे वाले की बात कर रहे हैं आप वैसे तो स्टार्ट हो जाता है वो 35-40 रूपये से टेक्सचर गन वाला होता है हाँ वो कोई जवाब नहीं
नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं प्लेन की बात कर रहा हूँ। आजकल डिजाइनर पेंट हो रहे हैं वो बहुत बढ़िया बढ़िया से, सोबर से वो सब हो सकता है। उसके ऊपर मेटल के आपके पास मेरे ख्याल वो रिकॉर्डिंग होगी उसके 80 नंबर सबसे पहले 80 नंबर सबसे पहले फ्रंट डोर के लिए भी ये बनना है। अच्छा 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 हाँ, उसका कलर और उसकी क्या क्या मतलब अभी ऐसा ये तो कॉमन थिंग्स है यार, हम अपने आप ही करके देंगे। आप पूछा दो चार चीजें आप भी करके देंगे। अच्छा, चेक फॉर द हीटर पॉइंट्स हो गया, ऑल रूम्स दे रखे उन्होंने, रिकॉर्ड किया मैंने, रिकॉर्ड किया फोटो खींच लिया भी। अच्छा, रबर डोर ब्रश एट रबर नहीं होगा उसमें, उसमें ब्रश होता है ब्रश होता है इसलिए कि जितने मिट्टी बांध देगा अंदर नहीं आते, रबर नहीं होती है अंदर ना आता, ब्रश से भी अंदर नहीं आता। वो होता क्या है कि रबर की स्ट्रिप होती है पूरी, उसके नीचे ब्रश लगा होता है, क्योंकि अगर रबर नीचे तक कर देंगे तो मान लो कभी कोई छोटा सा चीज अटक गई या कुछ हो गया, रबर मुड़ेगा नहीं, वो अटकता रहेगा दरवाजा, ब्रश मुड़ जाता है, ब्रश लगता है तो ब्रश ही लगता है। रबर इज गोइंग टू बी कवर्ड सब डोर्स में, डोर्स में वो लगता है जिससे कि वो जो कूलिंग है बाहर नहीं निकल पाती है, वो लेकर ब्रश से काम होता है। वो ब्रश ऐसा नहीं होता ब्रश जैसे आप नॉर्मल समझ रहे, वो बनाई सरफेस के लिए थिक डेंसिटी का होता है, स्पंज टाइप का होता है, नहीं नहीं स्पंज नहीं, फाइबर होता है वो, ब्रिसल्स होते हैं वो पूरे ब्रिसल्स होते हैं। इसको साइड में छोड़ के दोबारा इनका जो इस पर करना था ये कल को दरवाजा बंद हो और इनको और चौड़ा करने के लिए जो उन्होंने बताया था ना अजय जी ने चौड़े का है हाँ, और इसके ऊपर वो कह रहे थे और आप वो कह के गए थे अजय जी कि इसके ऊपर आपने कुछ वो चीज लगानी है वो लगेगी वो लग जाएगी वो पीओपी के बाद वो मतलब हो जाएगी ये जैसे ये जैसे लकड़ी और ये सब सब नजर बस रीजन का मेन पॉइंट है मुझे वही बाकी रह गया किचन का तो वो आ ही रहे क्या फिर 15 अप्रैल किचन का पता जाएगा 15 अप्रैल भाई देखो 40 दिन लेके चलता है वो आपका अभी फाइनल मेजरमेंट नहीं हुआ फाइनल मेजरमेंट आपका होगा सैटरडे नहीं है मतलब किचन का डिसाइड हो गया कलर उन्होंने का फिर फाइनल नहीं कभी हमने भी जैसे ये प्रयोग किया है कि 25 जनवरी को किचन कंट्रोल कर सकते ड्राइंग वन की बात ड्राइंग भी फाइनल जब आए थे वहाँ पे नहीं ड्राइंग फाइनल जब आपने को यहाँ पदवी में मिले थे बीच में एक और भी तो ब्रेक लग गया था वहाँ पर देखा विंडो ग्लास में इंस्टॉलेशन लगाना जरूरी है यानी कि आज क्या हो गया आज गणेश है करके आ रहा है इससे चालू कर 12 तारीख से लेकर 12-22 अप्रैल एंड मान लो मैं प्रेशराइज कर रहा हूँ उसको जल्दी के लिए बट नो कमिटमेंट अप्रैल एंड को किचन उसके बारे में मिल जाएगा उसके बारे में आपको डर हो जाएगा। और ये जो है यहाँ की है यहाँ की जगह आप अगर से बात करो ड्रिंकिंग के जो मतलब उनके पार्टी अगर से बात करो एकदम ये वाला जो है आप
अजय जी बनाएंगे या मतलब आपके दिमाग में अरे ये किया नहीं तुमने यार, तुम्हें क्या चैनल लगा दो यार यहाँ पर या खाली बैठे हो ये छोटे छोटे काम ये जो बनेगा ये कितने लेवल तक बनेगी अंकल इसका अभी कोई डिजाइन नहीं है में तो नहीं है लेकिन होना तो है ना होना है तो ये तो बिगनिंग से मिली और आपकी डिस्कशन हो रही है अजय यहाँ पर आएगा तब भी डिस्कशन उनका यही कहना था कि ये जो बनती है ये डाइनिंग टेबल के साथ लटकवा तो उन्हें वाला बाद में हम इसको देखेंगे जब अगर करवानी है तो आप करवानी है जो एक तरह का बार जो है ना वो बार उसी के अंदर एडजस्ट हाँ वो तो हो जाएगा अगर बनेगी तो फिर तो एडजस्ट हो ही जाएगा बार उसी के अंदर एडजस्ट हो जाएगी तो वहाँ बार बन नहीं सकती दैट लुक वेरी हॉट जो मेरी नजर है मेरी सजेशन बार तो आपकी होती है नहीं इट डजंट लुक नाइस ये इधर भी अच्छी है इट इज वन साइडेड दैट इज कॉमन प्लेस दैट इज वन साइडेड यहाँ से बनाई यहीं पर टेबल स्पेस भी है देख सकते हैं टेबल को ज्यादा नहीं कर 4 फुट चौड़ा लो टेबल 3 फुट चौड़ा भी मिलते हैं 3 फुट बाय 6 फुट हाँ स्लीप टाइप और बड़े प्यारा लगते हैं 3 फुट आपकी 3 फुट के करिया या वो ऐसे कॉर्नर की तरफ क्योंकि ये कॉर्नर का यूज नहीं है बहुत चौड़ा कॉर्नर का वो बार बन सकती है जरा उधर करना ये जो है ना ये ग्रुप है ये ग्रुप लाता क्या लाता इधर आप क्या एक काउंटर आया काउंटर इधर आपकी कैबिनेट आई रिकॉर्डिंग और इधर आप ले लो बॉल ये रिकॉर्डिंग आती है ना ये बॉल सपोज करो आप उधर बॉल नहीं लेते आप इसके अंदर बॉल लेते हो तो आप इसकी जगह रिप्लाई करते हो और उसको खाली छोड़ रहे मेरा तो कहा उसके अंदर अगर बॉल बन गया और ये वो काउंटर बन गया तो ज्यादा नहीं बैठा तो वो बार बनेगा हाँ बार बन जाएगी उसके अंदर बन जाएगी अगर सपोज करो इधर आपका काउंटर और उधर से आपने जैसे पहले डिजाइन बताया था कि उधर से बार बन गई और ऊपर कैबिनेट बन गई काफी जगह मिल जाती तो है पीछे की जगह आपने खत्म कर दी वेस्ट कर दी कौन से वो नहीं अच्छा वहां पर पहुंचेगा ये कह रहा हूँ कि अगर सपोज करो आपने इधर काउंटर बनाया जो अंकल ने उसे डिजाइन दिखाया था ये बना आपका काउंटर ये बनी आपकी बार नहीं बार इधर में ये बनी आपकी कैबिनेट ये पहले का डिजाइन है तो हम ये जगह वेस्ट कर रहे हैं हाँ ये जगह वेस्ट कर रहे हैं आप इधर सिंपल रखो काउंटर काउंटर इधर रखो आपकी कैबिनेट कैबिनेट इधर रखो आपकी बार ये आपको डेप्थ मिल जाएगी इधर से खोलने वाली बना लो आप इधर से खुली ये आपको पूरी आपको जगह इतनी चौड़ी पूरी बार मिल जाएगी बहुत ज्यादा That's good idea. वो देख रहा हूँ तो डिजाइन वगैरह जैसा वो बात सही है we'll just possible This is just an idea. No comments. That's good idea. उधर बार बन जाए इधर ये काउंटर बन जाए ऊपर स्टोरेज बन जाए ऊपर स्टोरेज बन सकते हैं क्योंकि he was much interested for storage. नीचे स्टोरेज की जगह बढ़ जाएगी अगर यहाँ उधर शिफ्ट होगी ना तो स्टोरेज जगह बढ़ जाएगी स्टोर बढ़ जाएगी मैं क्या है कि इसके अंदर कटलरी आ जाएगी उसके ऊपर जो काउंटर बन जाएगा उसके ऊपर आप दूसरी चीजें रख सकते हैं सप्लाई ऑफ द सेम स्टैंड और देखने में भी स्पेशियस लगेगी बड़ा आइडिया क्यों फंस गए वसीम जी ये अच्छा, ये डबल ऑर्डर रूम में आपको पंखा चाहिए कौन यस डेफिनेटली चाहिए और व्हाट अबाउट किचन में कैसे पंखा लगेगा किचन में सीलिंग फैन है मुझे ये कह रहे थे कि वहां पर छोटा एसी लग सकता है कहाँ पर किचन में नो लग सकता है मतलब टेक्निकली यस दिस साइड देखते एक आधे टन का एसी लग जाए ज्यादा बेटर है लग जाएगा बट कूलिंग कभी नहीं आएगी क्यों किचन है ना वो नहीं आता है कूलिंग क्यों नहीं आएगी अगर आपको चाहिए ही तो कोई दिक्कत भी नहीं है वो तो कह रहा था कि किचन ठंडा कैसे होगा किचन ठंडा क्यों कर रहा है यहाँ चीजें गर्म होती है ठंडी थोड़ा साहब वो उनको मिलता है ठंड
जो बंदा किसी में काम करेगा तो उसको गर्मी ना, आप एक लॉजिक समझो, गर्मी उसको कहाँ लगती है, गैस पर जब खड़ा हुआ है, ठीक है, गैस पर तो गर्म ही होगा, अगर आप कूलिंग बढ़ाते जाओगे उधर से हीटिंग बढ़ती जाएगी, तो दोनों तो ऑपोजिट है एकदम। वैसे आइडियली सिचुएशन ये होती है कि अब एसी होता है किचन के अंदर जो अच्छे सर, मेरे आप लगवा लो, मुझे दिक्कत नहीं है, मैं अपनी सजेशन दे रहा हूँ खाली, मैं आपको छोटा ये नहीं कह रहा थी, आई एम जस्ट गिविंग माय थॉट। मेरे घर में पंखा लगा हुआ है, आज तक पंखा वैसे मेरा ख्याल है कि किचन के अंदर एसी इसलिए लगाना क्योंकि ये भी खोलना वो भी खोलना तो ठंडा कैसे होगा। चलो एक बार को हम बड़ा एसी लगाए तो ठंडा हो भी जाएगा, तो ठंडक जब उसकी बढ़ेगी तो गैस को भी तो इफेक्ट करेगी मैं नेचुरल, और आपने चाय बनाए रखी ठंडा क्या ठंडी, ठंडा भी हो रहा है एक्चुअली। अब ये इंडियन हमारी थॉट है ना, वैसे जो इंटरनेशनल पैटर्न है वहाँ पर किचन में एसी होते हैं, उनके किचन का साइज तो देखो आप, हाँ बड़े होते हैं यार, आप बोलो तो मैं लगवा दूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं सिर्फ अपनी राय दे रहा हूँ। नहीं आपकी राय अपनी जगह बिल्कुल सोलो आने ठीक है, अभी यहाँ के पैटर्न इंडियन पैटर्न के हिसाब से आपकी राय बिल्कुल ठीक है, ये आपके पंखे का पॉइंट है। देखो ना जो हमारा वेस्टर्न हाइट का जो फ्लैट है उसका किचन कितना बड़ा है, हाँ, उसका इससे बहुत बड़ा है, इससे डबल है वो, हाँ। जब डबल होगा तो उसमें आप एसी लगा सकते हैं, डबल तो नहीं खैर, हाँ इससे काफी बड़ा है। ये है जी जो भी मैंने पेंट करवाया था, हाँ जी आपको खाली सर में एसी लगे हुए हैं, आपकी कोई बात हुई है किचन वाले से इसके लिए चिमनी वगैरह के लिए? नहीं नहीं, आपके लिए नहीं, आप एक बारी बात करो। ये हैं जी सोफा लेना है, इसकी बात करूँ अभी जो इसके साथ में अच्छा होता है, दिस इज अवर लिविंग रूम, दिस इज अवर किचन, किचन के साथ ही डाइनिंग रूम, और ये है आपका लिविंग रूम, ये पर्दा है, ये हुआ हुआ जो अभी पेंटिंग बाकी है, ठीक है, इसके लिए सोफा चाहिए, और यहाँ पे वो काउंटर चाहिए जिसका प्लाज्मा लगेगा, अच्छा जो आजकल का ये पीछे इसका भी लगाना है, तो आपके मुझे थोड़ा सा ये आइडिया लेना है जो सोफे की कैपेसिटी है वो किस कलर की होनी चाहिए, अपन तो कल बहुत कलर चल रहे हैं, मतलब राइट कलर्स भी चल रहे हैं, जैसे आपका ये टेक्सचर हुआ ये वॉल के, नहीं नहीं ये टेक्सचर नहीं है, ये पेंट है, लेकिन मेरे हिसाब से ना इसमें वाइब्रेंट कलर का ही मजा आएगा। क्या जी इसका वॉल का कलर क्या है? ये है लेमन, लेमन एंड ग्रीन मिक्स करते हैं, लेमन कलर ग्रीन पैटर्न का बनता है, ग्रीन का, हाँ वो जो प्रोजेक्ट ये है ना, वैसे इसमें बेज कलर भी जाएगा, बेज तो जाएगा आप, लेकिन डार्क कलर लो, लोगों ने यूज करना निशान लगाने आप तो होनी वहां पर मेंटेन कर पाओ, ठीक हुआ था, ऑनर्स को लाइट ही पसंद आते हैं, ऑनर्स को लाइट पसंद मेंटेन कर रहे, नहीं वो लोग कर लेते हैं मेंटेन, हमने देने नहीं इंडियन को किसी को, क्योंकि ये रेड कलर के येलो स्ट्राइप्स इंडियन को देने नहीं है ना, ये तो प्री डिसाइडेड है कि इंडियन को देना नहीं है, खाली पड़ा रहे लेकिन इंडियन को नहीं देना। ऐसे आप जो सोफा लोगे ना, सोफे वाला आपको सोफे का रेट बता देगा जो भी होगा, अपोस्ट्री आपकी चॉइस की होती है, मैं अपोस्ट्री के बारे में आपसे आइडिया, अपोस्ट्री के लिए आप एक बार विजिट करो यहाँ पर, भाई जहाँ मैं जाता हूँ उसको बता सकता हूँ, यहाँ पर है लाजपत नगर में सीजन बिल्कुल रोड के ऊपर, जो रोड जाती है ना मूलचंद से आश्रम की तरफ, वहीं पर लेफ्ट साइड में आपके सारे ये फर्निशिंग वाले, पहले जगदीश आएगा, हल्दीराम आएगा, उसके आगे जाओगे एक ओरा करके आएगा, AURA ओरा करके आएगा, ओरा के बाद एक नया खुला है वो आएगा, उसके बाद सीजन्स आएगा, तो पूरी लाइन फर्निशिंग की है, उनके पास जाओ, इनके पास देखो, अपना पर्दे का होटल में एक सैंपल ले जाना, पूरे कॉम्बिनेशन बना देंगे आपको, वो बहुत वो लोग बहुत कॉस्टली होते हैं, वो नहीं के लिए तो टाइम लगेगा ही लगेगा, जो भी सोफा बनाएगा रेडी रेडी टू मूव इन चाहिए, कल एक आ रहा है जापानीज देखने के लिए, चार आदमी आते हैं, मतलब आपका मतलब है कि अभी अभी लगाओ, हाँ लगाओ, तो मेरे ख्याल से एमजी अगर ऐसा मिले आपको, क्योंकि आपका वापस जा रहे हैं, वो तो वापस जा रहे हैं, वो तो बोला है ना, वो कोई मांगने नहीं, आज आप स्टेपिंग होते हैं,
मान के चल रहा, यू आर स्ट्रक इन, यू आर एग्रीड ऑन माई कमिटमेंट, तो मैं 6 दिन लगा देता हूँ सोफा बनाने के लिए, तो 6 दिन कहाँ बैठेगा? नहीं तो उसको बोल दो फिर वो बिफोर तू एंटर करे तेरे को दे देंगे सोफा। वो तो कहता मैं तो आ जाना है। अच्छा जो आए हैं उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया, जो भी कोई एंट्री करता है ना गेस्ट जो भी आता है जो भी आता है, तो इज इट फुली फर्निश्ड? हाँ वी विल प्रोवाइड दिस एंड दिस एक्सेट्रा, तो इट टेक्स यू नो स्टक इन द माइंड कि आप पता नहीं कब देंगे कब, तो टेनेंट नहीं मिल पाता था। ऑलरेडी 3 टेनेंट को पसंद आया, एक स्टूडेंट को पसंद आया।